स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है? देखिए, अब तक आपने कल तक हमारे 205 केसेज हो लिए, और परंतु जो ट्रेंड अभी देखने में आ रहा है, जो लगातार केसेज में बढ़ोतरी थी, अभी रिसेंटली हमें इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी जाएगी इसमें, हालांकि हमने आप वाली बात है कि 205 केसेज अब तक हो लिए हैं, परंतु अभी क्योंकि सीजन ये नवंबर माह तक रहता है इसका, डेंगू का, तो हमें आप लोगों के माध्यम से भी यही अपील है जनता से कि जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक बार ड्राई डे जरूर मनाएं, तो आप रविवार के दिन अपने जितने कंटेनर हैं या गमले हैं उनको जरूर अपने सुखाएं, कोई भी कूलर का अगर यूज़ कर रहे हैं या इसी के वेंट में भी, वहाँ लार्वा हमें देखने को मिलता है। अब तक गुरुग्राम में 21 लाख से ज़्यादा जो घर हैं क्यूमुलेटिव हमने चेक किया, और उसमें 21,000 के करीब हमें लार्वा मिला है, यानी कि 1% हाउस इंडेक्स हमारा आया है। परंतु अभी नवंबर तक कंटिन्यू एक्टिविटी रहेगी, जितनी सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी है, और अब तक विभाग ने MCG के साथ मिलकर 16,000 से ज़्यादा हम नोटिस भी इशू कर दिए गए हैं, जिसमें सरकारी कार्यालय, कोई प्राइवेट संस्थान और बाकी जो मकान मालिक जिसके भी घर में लार्वा मिला है, हमने नोटिस में सबको इशू किया। अभी तक गुरुग्राम में कोई मौत भी हुई है डेंगू से? अब तक एक जो बेसिकली महेंद्रगढ़ का जो निवासी था, यहाँ किसी कंपनी में जो काम करते थे और फीवर की उससे आए थे, तो एक युवक की अभी तक मौत हुई डेंगू से। तो धरातल पे लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास है? फॉगिंग की किस तरीके से अब घर घर जाकर फॉगिंग की जा रही है? फॉगिंग का देखिए, केस बेस्ड फॉगिंग तो है ही, बाकी जहाँ पर भी हमें लगता है कि मॉस्किटो की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ये रेगुलर एक सर्वे रहता है एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट कलेक्टर के द्वारा, जहाँ पर लगता है हमें कि मॉस्किटो डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर MCG के साथ मिलकर रेगुलर बेसिस पर फॉगिंग की जा रही है शाम के टाइम।